हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स के टिगोर ईवी के बारे में। ईवी कार लेने का प्लान कर रहे हैं या आपका बजट है 10 से 15 लाख रुपए के बीच में, तो आज का जो सेशन है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो पहली चीज़ रहती है किसी भी कार बायर के हिसाब से, वो रहती है एस्पिरेशन के हिसाब से, आपकी चाहत क्या है। और अगर आपकी चाहत है परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो टिगोर ईवी की खास बात है, वो ये है कि कार का जो पूरा टॉर्क है 170 न्यूटन मीटर्स का, वो आपको राइट फ्रॉम फर्स्ट स्पीड मिलता है। आप जैसे जैसे एक्सेलेरेटर पे पेडल इंक्रीज करते हैं, द कार स्पीड इंक्रीजेस एंड और आपको एक मजा आता है। ये आपको एक सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस मिलती है विदाउट एनी काइंड ऑफ जर्क। एक लीनियर आपको पिकअप मिलता है जो बहुत ही बढ़िया है। और जहां पे आपके मन में है कि मुझे चाहिए स्पोर्ट्स कार जैसी फील, तो इसको कर दीजिए स्पोर्ट्स मोड में। और उसके बाद बॉस, You can experience the fun, the thrill of EV. कि इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर एक अलग बात होती है जो आपको किसी भी गैसोलीन पेट्रोल इंजन में अवेलेबल नहीं होगी। क्योंकि ईवी सेगमेंट स्पेस में कोई भी और सेडान कार नहीं है, लेकिन कंसीडरिंग प्राइस पॉइंट, अगर मैं टिगोर ईवी कंपैरिजन करूं अगेंस्ट होंडा सिटी, अगेंस्ट ह्युंडई वर्ना, स्कोडा रैपिड, फॉक्सवैगन वेंटो, पोलो TSI भी, क्योंकि पोलो की परफॉर्मेंस बड़ी दीवानगी है, तो साहब अगर मैं ड्राइव करूं ड्राइव मोड पे, वो आपको जो टिगोर ईवी की परफॉर्मेंस मिलती है, आई कैन टेल यू आफ्टर ड्राइविंग 2 hours, दिस कार हैज अ पोटेंशियल सो एज टू बीट इन होंडा सिटी CVT एंड द ह्युंडई वर्ना IVT एट एनी गिवन डे। कार जो भागती है ना ड्राइव मोड में, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्पीड यू हैव द एंटायर 170 न्यूटन मीटर टॉर्क एट योर डिस्पोजल, और वो आपको बहुत ही बढ़िया सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस देती है। लुक एट द काइंड कि कैसे कार 0 से 100 भाग रही है, जो आपको एक अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कार का स्पोर्ट्स मोड, जस्ट टू मेक अ कंपैरिजन अगेंस्ट स्कोडा रैपिड TSI, वेंटो TSI, तो बॉस आप देख लीजिए एक मजा है। और ये जो मजा है ना, वो आपको अलग फन देता है। ये बात जो कार भागती है और जो कार का स्टीयरिंग फीडबैक है, वो बहुत ही आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। सस्पेंशन भी फेयरली वेल सॉर्टेड है, दिस ऑल मेक्स अ डिसेंट गुड ड्राइव एक्सपीरियंस। एंड विद द रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, वो आपको कॉन्फिडेंस भी इंस्पायर करता है। Now before I tell you more about the EV cars, boss, आपके कन्वीनियंस के लिए, आप लोगों को सशक्त बनाने के लिए माइकर हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर आप EV कार का प्लान कर रहे हैं, ज्वाइन करिए EV ग्रुप बाय सेंडिंग हाय ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। इंटरेक्ट करिए बाकी बायर से, कुछ एक ओनर्स बन गए हैं उनसे इंटरेक्ट करिए, जानिए कैसी परफॉर्मेंस EV के बारे में, क्या उनके सोच है, क्या विचार है। आई एम श्योर एक इन्फॉर्म बायर के रूप में आप बेहतर अपने लिए कार के लिए चुनाव कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो माइकर हेल्पलाइन फोरम में आके यू कैन टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर द सेम। तो आपके चेहरे पे जब आपको मुस्कान चाहिए, आप करिए स्पोर्ट्स मोड में, और जब आपको चलाना है कंफर्ट में, रिलैक्स वे में, यू ड्राइव इन ड्राइव मोड। आई थिंक यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस द वेरी बेस्ट फ्रॉम द टाटा टिगोर ईवी। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आपके मन में कोई एप्रीहेंशन है, प्लीज टेस्ट ड्राइव दिस कार, बिकॉज दिस ईवी सेज हैज अ पोटेंशियल सो एज टू डिसरप्ट इन ऑल द गैसोलीन पेट्रोल एंड द डीजल इंजन्स। जो मजा है ना ईवी का, वो सब कार्स आप भूल जाएंगे पेट्रोल डीजल की। और साहब दूसरी बात हमारे मन में एक और आती है कि कार जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, उसकी सेफ्टी के बारे में क्या है। तो साहब टाटा मोटर्स का लोहा, जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है, उसके लिए इंडियन कंपनीज भी वाउच करती हैं और कंज्यूमर्स तो खैर दीवानगी है। टाटा टिगोर ईवी इज अ 4-star सेफ्टी रेटेड कार इन द ग्लोबल NCAP, और ये कार की सेफ्टी रेटिंग आपको इंस्पायर करेगी। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, ड्यूल एयरबैग, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, वो आपको एक सेफ्टी के एक्सपीरियंस बन पे प्रोवाइड करेगी। और साहब क्योंकि हम भारतीयों को आज की तारीख में एक बड़ी चीज पिंच करती है, वो है कार की रनिंग कॉस्ट। क्योंकि पेट्रोल मार चुकी है सेंचुरी, डीजल मार चुकी है सेंचुरी, तो ईवी कार की जो रनिंग कॉस्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसकी रनिंग कॉस्ट आपको कैसे बाकी कार्स के मुकाबले बेहतर मिलेगी। अब देखिए कुछ एक जरूरी बातें आपको बता देता हूँ, अगर आप कंसिडर कर रहे हैं टाटा टिगोर ईवी, क्योंकि ईवी स्पेस पे हमारी गवर्नमेंट का भी बड़ा जोर चल रहा है, तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप ईवी का लेना चाह रहे हैं। एक तो काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स रोड टैक्स में 100% वेवर प्रोवाइड कर रही हैं, तो जिसमें आप लेते हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु, बॉस यू वुड बी एलिजिबल फॉर 100% रोड टैक्स वेवर। और काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत ही मिनिमल रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स चार्जेस लगा रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में यू जस्ट हैव टू पे इन अराउंड 26,000 रुपीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
इसी प्रकार आप लेते हैं मध्य प्रदेश में और भी एक दो जिलों में, तो वहां पे आपको वेवर मिलेगा। और नंबर टू, कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेप आगे निकल गई है जिसमें कंज्यूमर्स को वो इंसेंटिव ऑफर कर रही है ओवर एंड अबव द रोड टैक्स वेवर। आपके अकाउंट में स्टेट गवर्नमेंट एक अमाउंट जमा कर देगी 1-1.5 लाख रुपए का अगर आप उस स्टेट के अंदर ईवी परचेस करते हैं। तो वो जान लीजिए, दिल्ली के अंदर है 1.5 लाख रुपीस का इंसेंटिव, दिल्ली बी द पायनियर, जिसमें 1.5 लाख रुपीस दिल्ली गवर्नमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट हैं, दिल्ली नंबर की कार परचेस करते हैं, एंड आपको 1.5 लाख रुपीस की इंसेंटिव मिलेगा। सेम फॉर महाराष्ट्र ऑल्सो, सेम फॉर गुजरात ऑल्सो, और उड़ीसा में भी अभी पॉलिसी निकल के आई थी जिसमें कहा था 1 लाख रुपए आपको स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। और नंबर टू, इनकम टैक्स में भी अंडर सेक्शन 80EEB आप जो कार लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट जो आप पेमेंट करेंगे 1.5 लाख रुपीस इंटरेस्ट पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो उस डिडक्शन के अगर मानिए आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप ऑलमोस्ट 50,000 रुपीस करीब करीब सेविंग कर पाएंगे, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज है। अब कार की रनिंग कॉस्ट कितनी आएगी, देखिए 26 किलोवाट की बैटरी है, अगर 115% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेके भी चले तो लेके चलते हैं सपोज से 30 यूनिट्स भी आपका कंजम्पशन आया इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो आपकी कार, मैं तो खैर रफ चला रहा हूँ बात अलग है, सपोज आपकी कार चलती है 180 किलोमीटर, इन दैट केस आप कितनी रनिंग कॉस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, योर कार रनिंग कॉस्ट वुड बी जस्ट 1.75 पर किलोमीटर, 1.75 रुपये होगी पर किलोमीटर। और एज अगेंस्ट पेट्रोल कार जहाँ पे माइलेज आती है 12-13 की, जहाँ पे आपको रनिंग कॉस्ट बढ़ती है 8-8.5 रुपए किलोमीटर, आप 6 रुपए किलोमीटर प्लस कार की रनिंग कॉस्ट सेव कर रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल और हुआ कि सर ये ईवी की बैटरी की लाइफ क्या है। देखिए जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ जितनी नॉलेज मेरे को है। बेसिकली कहा जाता है ये ईवी की बैटरी अराउंड 1000 साइकिल्स उनकी चलती है, और क्योंकि जो बैटरी अगर आप मानिए 180 किलोमीटर्स भी फुल चार्ज के बाद चल रही है तो आप प्रिज्यूम कर सकते हैं 1,80,000 किलोमीटर तक की बैटरी चलेगी। बेसिकली इन बैटरीज में होता क्या है, सेल्स होते हैं, देयर आर अराउंड 150-200 सेल्स, वो सेल्स थोड़े थोड़े वीक होने शुरू हो जाते हैं, उससे आपको आने वाले समय में थोड़ी थोड़ी सी रेंज कम होगी। लेकिन साहब चलेगी भी तो कितना, आप ऐसा नहीं है कंपनी जो वारंटी दे रही है 8 years 1.5 lakh kilometers की आपको 8 साल के बाद कार की बैटरी टाटा बाय बाय कर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। द बैटरी विल कंटिन्यू टू लास्ट, और आने वाले समय में बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल कार की बैटरी की कीमतों में भी गिरावट आएगी, तो आपको उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि बैटरी की रिलायबिलिटी के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बैटरी इज गोइंग टू लास्ट। इन सर्विस के बारे में बात करूं तो साहब आपको टाटा टिगोर ईवी में 3 free services मिलेंगी। यू वुड गेट द फर्स्ट सर्विस एट द एंड ऑफ 2 months और 2000 किलोमीटर, सेकंड सर्विस एट द एंड ऑफ अराउंड 7,500 किलोमीटर, थर्ड सर्विस एट द एंड ऑफ 15,000 किलोमीटर, और उसके बाद जो पीरियडिक सर्विस होगी वो एवरी 6 months और 7,500 किलोमीटर की होगी। क्योंकि कार में कोई इंजन नहीं है, कोई इंजन ऑयल नहीं है, कोई स्पार्क प्लग नहीं है, कोई फ्यूल फिल्टर नहीं है, तो उस तरह का कोई काम नहीं होगा। वो बेसिक काम होगा वो टाइटनिंग का होगा, और क्योंकि कूलेंट है कूलेंट रिप्लेस होगा, ट्रांसएक्सल ऑयल होगा वो रिप्लेस होगा, ब्रेकिंग के लिए ब्रेक फ्लूइड रिप्लेस होगा, रेस्ट वुड बी ऑल अबाउट टाइटनिंग। आपसे पूछा जाएगा कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, क्या है, इट वुड बी मोर लाइक वॉशिंग क्लीनिंग। तो ये आप देख रहे हैं टाटा टिगोर ईवी का फ्रंट फेसिया, अब देखिए बड़ी बढ़िया लगती है फ्रंट से, लेट मी डिस्क्लेम टू यू, 2 color tones में आती है, एक तो है सिग्नेचर टील ब्लू और दूसरा है डेटोना ग्रे। आपके सामने है एक सिग्नेचर टील ब्लू कलर, एंड आई थिंक बड़ा डिफरेंशिएटिंग कलर है जो उसमें देखने में लग रहा है, कहीं पे डार्क ब्लू लग रहा है, कहीं पे लाइट ब्लू लग रहा है, कहीं से ग्रीनिश इसमें एंगल दिखाई दे रहा है, बड़ा ही डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट है, कहीं से आपको इंक ब्लू दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे इसमें शेड्स देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक दिस कलर्स लुक्स वेरी इंप्रेसिव। अब फ्रंट फेस देखिए, आपको उसमें प्रोजेक्टर्स मिलेंगे, DRLs मिलेंगे, 3 variants में आती है, XC, XM, XZ Plus और XZ Plus Dual Tone। जो हम वेरिएंट देख रहे हैं वो है XZ Plus Dual Tone, ये रिकमेंडेशन होगी, इफ़ यू कंसीडर टाटा टिगोर ईवी देन लुक फॉर द XZ Plus और XZ Plus Dual Tone। कारण ये है, आपको जो मैक्सिमम फीचर्स हैं वो बहुत ही कम प्राइस डिफरेंशियल में मिलेंगे। XC की प्राइसिंग है 11.99 लाख रुपीज़ और XZ Plus की प्राइसिंग है 12.99 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपये में ज़मीन आसमान का फीचर का फ़र्क है। XC में आपको म्यूज़िक सिस्टम भी नहीं आता, आपको व्हील कवर्स भी नहीं आते हैं, और आपको रिमोट सेंट्रल लॉक भी नहीं आता। XM में भी काफ़ी कम फीचर्स है। XZ Plus के अंदर आपको प्रोजेक्टर्स मिलेंगे, DRLs मिलेंगे, आपको 14 इंच के स्टाइल व्हील्स मिलेंगे, ये आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, यहाँ पे इंक ब्लू कलर दिखाई दे रहा है इस कार का, और आपको अंदर 7 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा,
एंड यहाँ से देखिए, आई थिंक दिस कलर लुक्स वेरी डिफरेंशिएटिंग। पता नहीं वीडियो में दिखाई दे रहा है दिखा रहा है, पर यहाँ पे थोड़ा ग्रीनिश दिखाई दे रहा है। ये देखिए रियर के आप प्रोफाइल देखिए, फर्स्ट क्लास प्रोफाइल है। यहाँ से देखिए क्रोम की लाइनिंग मिलती है, वेरी डिफरेंशिएटिंग। आई थिंक द ओवरऑल कार का जो बॉडी डिज़ाइन है बड़ा बढ़िया तरीके से ग्रेट लगता है। ऑल दो दीज आर स्टील व्हील्स, लेट मी डिस्क्लेम टू यू, दीज आर नॉट अलॉय व्हील्स। लेकिन बॉस ठीक है, स्टाइलिश तो लग रही है कम से कम। 14 इंच के आते हैं, R14 175/65। लेकिन एक बात है वो आपको बता देता हूँ, कार की जो बूट स्पेस है बॉस, इसमें एक बात है। एक्चुअली क्या है, ईवी कार्स के अंदर जो बैटरी होती है वो नीचे की तरफ होती है, एंड ऑल अक्रॉस इज स्टैंडर्ड। तो टाटा मोटर्स ने किया क्या है, स्पेयर व्हील को बूट में इंटीग्रेट कर दिया है। दिस इज अ फुल साइज स्पेयर, तो उसके कारण जो कार की बूट स्पेस है वो थोड़ी छोटी हो गई है। दिस इज 316 लीटर बूट स्पेस। तो वो एक बात है, आप चाहें इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं रिमूव को नहीं रिश्ता जाने हुआ। लेकिन दिस इज 316 लीटर बूट स्पेस। तो ये आप देख लीजिए, ये आपको बूट स्पेस मिलेगी, ये आपको चार्जिंग का इसमें सामान है, तो चार्जिंग केबल है, अम्ब्रेला है। तो थोड़ी सी बूट स्पेस आपकी लिमिटेड हो गई है, तो ये एक बात ज़रूर है जो पता होनी चाहिए। इंटीरियर्स में आप आते हैं तो साहब, इस तरह के आपको ड्यूल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं, ब्लू एसेंट्स आपको अवेलेबल होते हैं, हरमान का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ऑल्दो जो साउंड क्लैरिटी है वो अच्छी खासी है, लेकिन टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा बस एवरेज ही है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, ये आपका मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड, ड्राइव मोड, न्यूट्रल, डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और इस तरह के आपको केबिन के डैश का लेआउट मिलता है। सेंटर सीट आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, और जो रियर में स्पेस है मैं आपको अब उसमें दिखाता हूँ रियर में कितनी स्पेस है। बात करते हैं रियर के लेगरूम के बारे में, तो साहब जो ड्राइवर सीट है मेरे हिसाब से एडजस्ट है, माई हाइट इज़ 5'11". देखिए इतना आपको लेगरूम मिलता है, बॉस जो मैं बैठ पा रहा हूँ उसमें आप कह सकते हैं 1 से 1.5 इंच की जगह बच जाती है, स्पेस का अच्छा खासा मैनेजमेंट है। 5'11" के हिसाब से ड्राइवर सीट एडजस्ट है, और उसके बाद आप देख सकते हैं, तो आई थिंक 4 पीपल कैन कंफर्टेबली सीट इन, एंड पॉसिबली अ चाइल्ड ऑन द रियर सेंटर मिडल रो सीट। अब आपको दिखाता हूँ हेडरूम के हिसाब से, तो देखिए हेडरूम ठीक ठाक है, ऑल्दो दीज आर फिक्स्ड हेडरेस्ट, लेकिन डिस्पाइट ऑफ माई हाइट बीन 5'11" आई एम कम्फर्टेबल। हालांकि ऊपर ज़्यादा जगह नहीं है, तो जिनकी हाइट 5'9" होगी दे वुड बी रीजनेबली कम्फर्टेबल, ऑल्दो आई एम ऑल्सो ओके। ये आप देख लीजिए, लेकिन लेग रूम बॉस बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट है, बट ये बात ज़रूर है कि जो अंडर थाई सपोर्ट है ये थोड़ा सा और 19-20 बेहतर होता तो दिस कुड हैव बीन बेटर फॉर द टॉल पीपल। एक बात है, इस तरह के आपको डैशबोर्ड का लेआउट मिलेगा। अब हर कार में कुछ कमियां भी होती हैं, तो साहब इस कार की कुछ कमियां के बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए जो टाटा मोटर्स के टैगोर की ईवी की कुछ एक बातें हैं जो ज़्यादा समझ में नहीं है, जैसे आप इसका टच स्क्रीन देखिए, हालांकि इंफोटेनमेंट की जो साउंड क्लैरिटी है वो रीजनेबल आपको इम्प्रेसिव मिलेगी, लेकिन साहब जो इसका टच का रिस्पॉन्स है 13 लाख की कार के हिसाब से, आई थिंक दिस कुड हैव रीवर्क्ड ऑन। अब यहाँ पे एक सेंटर सीट आर्मरेस्ट होता तो थोड़ा सा एक बात का फर्क होता। अब आप ये डोर्स के देखिए, ये देखिए ये इस तरह के पुश वाले जो बटन्स हैं, ये वाले बटन्स ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगते हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट यू आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 13 लाख रुपीस। इंटीरियर्स आप देख रहे हैं, ये हार्ड प्लास्टिक्स हैं, दिस इज नॉट अ सॉफ्ट टच प्लास्टिक। आई थिंक थोड़ा सा इस पर रीवर्क होता दिस कुड हैव मेड द चेंजेस। और एक्सटीरियर्स में आपको दिखाता हूँ, बाहर अलॉय व्हील्स नहीं है तो वो एक बात है, तो थोड़ी सी एक बात है कि एक आपको प्रीमियमनेस की फीलिंग थोड़ी सी चाहिए होती है कि यस यू आर स्पेंडिंग 13 लाख रुपीज, तो वो आपके मन में आएगा कि वो 13 लाख रुपये तो खर्च कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा प्रीमियमनेस की फीलिंग नहीं है। जैसे रेयर में एसी वेंट्स नहीं है, और कुछ एक लोगों को आजकल सनरूफ की चाहत होती है, तो साहब सनरूफ तो खैर
लग्जरी बन गई है लोगों के मन में, लेकिन सनरूफ नहीं मिलेगा। सनरूफ मेरे हिसाब से, मैं आपको बिल्कुल काउंट भी नहीं करता हूँ, बाकी तो वो एक अलग बात है, लेकिन प्रीमियम में इसकी ज़रूर एक थोड़े से केबिन में कमी है, एंड दैट इज़ व्हाट अ पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट जो अभी ड्राइव कर रहा हूँ मैं आपको एंड में बताऊँगा। देखिए दिस कार आई एम ऑलमोस्ट ड्राइविंग फॉर 2 hours ऑन एंड ऑफ, काफ़ी बार बीच में रुक के भी देखा, एक्सपीरियंस करा। तो आप देखिए एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, इस कार के अंदर एक बैटरी की ज़रूर बात है क्योंकि स्मॉल बैटरी सेटअप है। तो देखिए इसमें दिखा रहा है 62% बैटरी लेफ्ट, एंड वी हैव जस्ट ड्रिवन 47.6 किलोमीटर्स विद अ रेंज लेफ्ट टू 104 किलोमीटर्स। आई एम प्रीटी शॉक्ड, ऑल्दो आई हैव बीन ड्राइविंग रैश ड्राइव मोड पे, स्पोर्ट्स मोड पे, बट बॉस इस हिसाब से तो अगर ये ड्राइव करेंगे दिस मे नॉट रीच इन 150 किलोमीटर इवन। तो मैं ड्राइव करता हूँ, आपको एंड में फीडबैक दूंगा। थोड़ा सा बिल्कुल एक ज़रूर थोड़ा सा मन में चिंता वाली बात है कि कार की जो रेंज है वो काफ़ी कम प्रतीत लग रही है। तो साहब फाइनल निष्कर्ष, टाटा टिगोर ईवी आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? देखिए जो सबसे बड़ा सवाल है आपके मन में है कि रेंज कितनी आई है, तो देखिए जैसे मैंने कार ड्राइव करी, आई कैन शो इट टू यू हाउ मच आई हैव अटेंड। आप देख लीजिए 36% लेफ्ट है, 88.3 किलोमीटर कार ड्राइव हुई है, तो तकरीबन आप लेके चल सकते हैं ऑलमोस्ट, हालांकि दिखा रहा है 76 किलोमीटर की रेंज, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है अराउंड 130 किलोमीटर ये कार चलेगी। लेकिन साहब एक बड़ी बात है और वो बात बता जाता हूँ कि हाउ आई हैव ड्रिवन दिस कार। ये कार जैसे चलाई है वैसे बड़ा रैश तरीके से चलाई है। आई हैव ड्रिवन द कार इन स्पोर्ट्स मोड सो एज टू सी द रिस्पॉन्स। आइडलिंग देखी, पिकअप 100 के पार देखा, रियल लाइफ में ऐसे नहीं चलती है। आई एम प्रिज्यूमिंग इफ यू आर गोइंग टू बाय इन टाटा टिगोर ईवी यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट 40% बेटर रेंज विद रिस्पेक्ट टू माई ड्राइविंग। तो अगर मेरे को 125 में लिए हैं, 170 से 180 आपको रियल लाइफ कंडीशन में मिल सकती है। ऑल दो कंपनी कहती है 306 किलोमीटर, दैट्स एन आइडियल कंडीशन। अगर आप ड्राइव मोड पे और रिलैक्स तरीके से चलाएंगे, बाय कंट्रोलिंग योर स्पीड्स, बाय कंट्रोलिंग योर स्ट्रेसेस की स्पोर्ट्स में ज़्यादा मज़ा नहीं करेंगे, तो वो भी आपको अचीवेबल है। बाकी इन रिस्पेक्ट टू बिल्ड क्वालिटी, इन रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, इन रिस्पेक्ट टू द सेफ्टी रेटिंग, इन रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल अपील, कंसीडरिंग की गवर्नमेंट के टैक्स में आपको रियायत दे रही है, ये सब चीज़ें बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। और मेरी रिकमेंडेशन होगी टाटा टिगोर ईवी आप पसंद कर सकते हैं। डाउन साइड के रूप में यस, थोड़े से इंटीरियर्स आपको एवरेज मिलेंगे, प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ा सा और प्रीमियम फील एंड फिनिश वाली एक बात है वो जरूर थोड़े से मिसिंग है। एंड यस, काफ़ी लोगों के मन में होता है कि मैं अगर ईवी ले रहा हूँ मेरी कार चले 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो साहब 26 किलोवाट की स्मॉल बैटरी है, तो 200 किलोमीटर अगर आपको मिल जाए I think you should be reasonable happy if you can achieve in respect to Tigor EV. तो एक बात है, बाकी तो I think it's a great car. और एक statement है इंडिया में, vocal for local. I think you should go for Tata Motors Tigor EV. If in case you like the video, upvote जरूर करिए, वीडियो को share करिए, channel my channel पे नए हैं, subscribe करिए for the very best of updates on the auto sector. Thank you.